हाय गाइस, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त। अगर इस कास्कोवेट जीएम क्रीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आज हम इस कास्कोवेट जीएम क्रीम का रिव्यू करेंगे। ये क्रीम आपको मेडिकल मार्केट में आसानी से हर मेडिकल स्टोर एंड केमिस्ट स्टोर पे आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। इस कास्कोवेट जीएम क्रीम का कई यूट्यूबर ये दावा करते हैं कि ये फेयरनेस में यूज़ किया जाता है, जबकि इस क्रीम के बॉक्स पे कहीं नहीं लिखा गया है कि आप इसका यूज़ फेयरनेस में करें। ये इसका इस्तेमाल सिर्फ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड दाद का खुजली या देहाती भाषा में दिनाए कहते हैं, उस पे ये अत्यंत लाभदायक क्रीम है। इसमें इस क्रीम के फार्मूले के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। इस क्रीम का फार्मूला है क्लोबीट सोल प्रोपिनेट जेंटामाइसिन एंड मीक्रोनाजोल नाइट्रेट क्रीम। ये 20 ग्राम का ट्यूब है और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, जो कि 17.65 रुपये है। ये क्रीम काफ़ी सस्ता है अदर ब्रांड से, और इसका मैन्युफैक्चर डेट है जनवरी 2017 और एक्सपायरी डेट है 18 दिसंबर 2018। ये वाइट और आसमानी कार्टन में उपलब्ध है आपको मार्केट में। ये एडकॉक इन ग्राम कंपनी का है। इस क्रीम का यूज़ सुबह शाम जो हमें दाने चेहरे पे हो जाएं या दिनाए हो जाए या खुजली हो जाए, उसमें सुबह शाम इसको लगाना रहता है और हमें एक हफ्ता में टोटल आराम मिल जाता है। अगर आराम आपको इस क्रीम से नहीं मिलता तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसके साथ कुछ खाने वाले मेडिसिन के बारे में भी आपको बतलाएंगे। इस कास्कोवेट जीएम का हम इन बॉक्स रिव्यू करेंगे। जैसा कि ये क्रीम आपको एल्युमिनियम के ट्यूब में उपलब्ध मिल जाएगा और इस पे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी कि इसको शरीर के बाहरी हिस्सों पे ही लगाना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी यूट्यूबर के बतलाए हुए बातों पर विश्वास ना करें और इस क्रीम का फेयरनेस में बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि इस बॉक्स पे कहीं भी फेयरनेस में यूज़ करने के लिए नहीं लिखा गया है। इसमें जेंटामाइसिन एक ऐसा स्ट्राइड मिला हुआ है जो कि आपको चेहरे को 2 से 3 दिन में तो काफ़ी निखार दिला सकता है, लेकिन 2, 3, 4 दिन के बाद जब निखार आपके चेहरे से ख़त्म होगी तो ये आपके चेहरे को और चेहरे पे रेडनेस, ब्लैकनेस और स्पॉट नज़र आने लगेंगे और आपका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा बदसूरत नज़र आने लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्रीम का सिर्फ आप फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड दाद खाज खुजली में ही यूज़ करें। अगर इस क्रीम का यूज़ सुबह शाम करना है, और जैसा कि इसमें वाइट कलर का आपको कैप दिख रहा है, इस वाइट कलर के कैप को खोलते हैं हम।
जैसा कि इसमें देखिए, ये क्रीम वाइट कलर का क्रीम है और इसके कैप के ऊपर एक नुकीला सा पिन टाइप है। ये इसलिए दिया जाता है कैप में ताकि हम इस क्रीम को अदर किसी नुकीले चीज़ से ना खोलें, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। और हम इसी कैप के नोक से खोलें, इसको खोलने के लिए हम कैप को उल्टा करके इसके मुंह पे रख के प्रेस करेंगे और इसके बाद इसमें छेद हो जाता है और हम इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। जैसा कि इस क्रीम का स्मेल काफ़ी अच्छा नहीं होता, जैसा कि मैं क्रीम को निकाल कर अपने हाथों पे मिलाता हूँ, ये चिपचिपा और ऑयली क्रीम है। ये देखिए, जैसा कि हम मिला रहे हैं, ये धीरे धीरे करके चेहरे में ऑब्जर्व हो जाता है और चेहरा काफ़ी स्मूथ हो जाता है। देखिए, इतना देर से हम मिला रहे हैं लेकिन अभी भी इसका हमें वाइटनेस नज़र आ रहा है। ये थोड़ी देर बाद इसका वाइटनेस ख़त्म होगा। अगर इस क्रीम के बारे में और जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आज तक आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, नमस्कार।